अच्छा इधर देखिएगा, चौसर इज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड इट्स राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. ठीक है, चौसर जो है वो रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और उसको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. जो न्यू कमर्स हैं बेटा वो थोड़ा सा इसको गौर से देखें, क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फिर काफी कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी वो कुछ कंफ्यूज थे, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस. और बीच में छुट्टियां भी आ गई हमारी. सेकंड था, चौसर मेड अ फ्रेश बिगनिंग इन इंग्लिश पोइट्री. चौसर ने जो है इंग्लिश पोइट्री में एक फ्रेश बिगनिंग की थी. मैंने आपको बताया था कि वो मिडीवल इरा से किस तरफ आया था, मॉडर्न की तरफ, क्लासिकल की तरफ, इसलिए उसको मिडीवल एज वेल एज मॉडर्न भी कहते हैं. मैं आप लोगों को अपने नोट्स शेयर करूंगी बेटा, उसके अंदर मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. और हम उसके बाद जब ये हमारा चैप्टर एंड होगा, हमारी बुक एंड होगी, तो मैं आपको वन बाय वन वो पॉइंट्स क्लियर करूंगी कि आयरनी क्या होती है, सटायर क्या होती है. और मैंने विद एग्जाम्पल्स उसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो आप जरूर फिर एंड पे देखिएगा. लेकिन सबसे पहले हमारा एक दफा टेक्स्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको बेटा क्वेश्चन आंसर सारे जो है वो क्लियर करवा दूंगी. इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हाफ बुक कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि हाफ से ज्यादा हो गई है. अच्छा, थर्ड है, चौसर्स एजुकेशन एज अ पोएट वाज टू फोल्ड. दो तरह की उसकी एजुकेशन थी. अपार्ट फ्रॉम ऑफ इट केम फ्रॉम फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर एंड अदर पार्ट इट केम फ्रॉम द लाइफ. ठीक है, एक तरफ तो वो फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर की बात करता था. उसका वन पार्ट ऑफ एजुकेशन किस तरफ से था, मैंने आपको बताया था, ही वाज अ कोर्टियर और वो बहुत अच्छी पोस्ट पे भी रहा डिफरेंट ममालिक में, वो ट्रेवलिंग भी करता था. दैट्स व्हाई उसके अंदर, देखिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा एक एक्सपोजर बढ़ता है. क्यों कहते हैं बच्चों को जगह जगह आप घुमाएं, क्योंकि एक आपका एक्सपोजर बढ़ता है. आप नई जगह पे जाते हैं, वहां पे नई चीज सीख के आते हैं, वहां की अच्छी चीज आप अडॉप्ट करके लाते हैं. सेम इज द केस विद द चौसर. राइटिंग सरे को पढ़ेंगे तब भी आपको अंदाजा होगा कि रेनेसां जब स्टार्ट हुआ था तो ये सारी फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर एट दैट टाइम बहुत पीक में थी. तो दैट्स व्हाई इन्होंने वहां से कुछ ये लिया था. एक पार्ट उसका एजुकेशन का फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर था. और उस वक्त आपको पता है कि ये फ्रेंच और इटालियन जो है ये कोर्टली लैंग्वेज थी. इसको बहुत, जैसे आजकल इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज दे दिया गया, हर बंदा जो है वो ना चाहते हुए भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है. सेम इज द केस विद दैट द इरा 14th century, जब जो चौसर का की एज थी उसमें भी यही था. एंड अदर पार्ट ऑफ इट केम फ्रॉम लाइफ. और बाकी उसका पार्ट क्या था, हमने उसके कैरेक्टर से क्या पढ़ा, दीज ऑल आर पोर्ट्रेइंग द रियल लाइफ, not an artificial life, not any spirit, not any theory, that is only a life. ठीक है, जिंदगी को पोर्ट्रे कर रहे थे कि आम जिंदगी के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं. और चौसर के दौर में जो उसके कॉन्टेम्पोरेरीज थे, जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे, कॉन्टेम्पोरेरीज मैंने आपको बताया था, उसकी कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, उसकी 14th century सोसाइटी और उसके इर्द गिर्द के जो पोइट्स थे वो किस तरह की पोइट्री किया करते थे, राइटिंग्स कैसी होती थी, मिडीवल हुआ करती थी. Chaucer was not merely bookish and least visionary man like Shakespeare and Milton. He was a man of worldly affairs. ठीक है, वो कोई bookish या least visionary man नहीं था. वो बिल्कुल जो है Shakespeare, मतलब like Shakespeare and Milton, वो क्या था, worldly affairs का इंसान था. हमने Chaucer की realism पे question किया था, आपको ये point वहां से clear हो गया होगा कि वो किस तरह से worldly affairs का man था. उसके बाद वो फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि चौसर्स टेल्स इज चौसर्स रिमार्केबल एंड फेमस वर्क विच इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिलेटेड बाय पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू श्राइन्स ऑफ थॉमस बेकेट एंड एट कैंटरबरी. ठीक है, कैंटरबरी टेल्स में उसने क्या किया कि चौसर जो है वो उसका रिमार्केबल और फेमस वर्क था. मैंने आपको बताया था कि उसने अपनी उसकी जिंदगी का जो आखिरी वर्क था, जिंदगी के आखिरी अयाम में उसने जो किताब लिखी, जाहिर बात है वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका था, दैट वाज द हॉलमार्क इन द इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, इंग्लिश हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में दैट वाज अ रिमार्केबल वर्क. ठीक है, और उसकी जो कलेक्शन थी स्टोरीज की, जो कि पिलग्रिम्स ने सुनाई थी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ऑन देयर वे टू श्राइन्स ऑफ थॉमस बेकेट एंड कैंटरबरी. ये जो आप सिलेबस में पढ़े, शुक्र करें, सिर्फ आप लोगों के जो है कैरेक्टर्स ही हैं, कैरेक्टर्स की कहानियां नहीं है. इन सारे कैरेक्टर्स ने एक एक कहानी भी सुनाई थी, किसी ने दो दो भी सुनाई थी, नहीं तो आपको वो वाला टेक्स्ट भी पढ़ना पड़ जाता.
अच्छा उसके बाद सिक्स पॉइंट है दीज पिलग्रिम रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी ऑफ द इंग्लैंड, और ये जो पिलग्रिम्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ उसकी जो हम असर सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड थी उसको. द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज कैरेक्टर्स शोज कैरेक्टर्स नैरेटिव पावर एज अपवर्ड, और ये डिस्क्रिप्शंस क्या शो करती थी इन कैरेक्टर्स की नैरेटिव पावर एज अ पोएट. ठीक है, एज अ पोएट उसकी नैरेटिव पावर कैसी थी उसको शो करती थी. एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअलाइज्ड, यस दे आर थॉरली टिपिकल क्वालिटीज गिव अ यूनिक वैल्यू टू चॉसर्स पिक्चर ऑफ मैन एंड मैनर्स इन इंग्लैंड ऑफ दिस टाइम. ठीक है, इस उसके दौर में उसके कैरेक्टर क्यों इंडिविजुअलाइज कर रहे थे, उनकी इंडिविजुअलिटी क्या होती है, हर किसी का अलहदा अलहदा कैरेक्टर को इंडिविजुअलाइज करना, यानी कि हर किसी की अपनी एक खसूसियत थी, हालांकि वो टिपिकल क्वालिटीज थी जो कि एक यूनिक वैल्यू टू चॉसर्स पिक्चर ऑफ मैन एंड मैनर्स को इन इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम को दी गई, उसके जो दौर के मैन एंड देन मैनर्स. ठीक है, आप अभी पढ़ेंगे ना जब क्लासिकल पोइट्री, दैट इज द मेन लाइन, मैन एंड मैनर्स इन इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम. सेम इज रेप ऑफ द लॉक में भी आप यही पढ़ेंगे, पार्ट टू में जाएंगे तो विलियम ब्लेक में भी आपको मैन एंड मैनर्स ऑफ देयर टाइम. बेटा ये चीजें जो है ना, कुछ आपको मैं थीम्स मार्क करवाऊंगी, ये जो है दैट इज द यूनिवर्सल थीम, और ये मोस्टली पोइट्स के मैन एंड मैनर्स ऑफ देयर टाइम वो उसको एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर. तो ये मेन मेन जो पॉइंट्स है ना इनको हाईलाइट करते जाए. उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है, कैंटरबरी टेल्स इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री because here Chaucer enriches the English language and meter to such an extent that now it could be conveniently used for any purpose. ठीक है, by number 10, by introducing a variety of of highly finished characters into a single action and engage them in an intimate dialogue, Chaucer fulfilled every requirement of a dramatist. अब वो क्या कहते हैं कि इतने सारे कैरेक्टर्स, हाईली फिनिश कैरेक्टर्स एक सिंगल एक्शन के अंदर, एक टाइम में एक सिंगल एक्शन, और उसने उनको एंगेज किया हुआ था इन एन इंटीमेटेड डायलॉग, तब इंटीमेटेड डायलॉग के अंदर एंगेज थे और चौसर ने फुलफिल किया एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ ड्रामेटिस्ट को. नंबर 11, By drawing finished and various portraits and verse, Chaucer showed the way to the novelist to portray characters. और इस तरह से drawing finished और various portraits and verse, ठीक है, उसने verse के अंदर इस poem के verse किसे कहते हैं, verse form, जैसे हम नज़म की सूरत में कोई चीज लिखते हैं उसको हम verse form कहते हैं. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि by drawing finished and various portraits and verse, Chaucer showed the way to novelist to portray characters. Number 12, yeah. Chaucer's work fall into three periods. In the first period, he imitated French models. ठीक है, उसने three periods के अंदर अपनी ये work जो है उसको लिखा. Second period में क्या किया? He imitated Italian models. और third period में उसने English models को लिखा था. और फिर Chaucer's third period may be called English period because in it he threw off foreign influences and showed native originality. उसने क्या किया था चौसर थर्ड पीरियड में, उसने फॉरेन इन्फ्लुएंसेस पे जोर दिया था और उसने नेटिव ओरिजिनलिटी जो है उस पे जोर दिया था, एम्फसाइज किया था. अच्छा, पॉइंट नंबर 14, चौसर कैंटरबरी टेल्स इज हिज ग्रेट पोएटिक अचीवमेंट व्हिच प्लेसेस हिम इन द हार्ट ऑफ द लर्नर. हियर वी फाइंड हिज जेंटल काइंड ह्यूमर which is Chaucer's great quality as its very best. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कैंटरबरी टेल, और जो कि उसने हार्ट ऑफ लंदन के अंदर उसको प्लेस करी, यानी कि उसने लंदन को इतना खूबसूरती से उसके कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया, दैट इज इज अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द लंदन. हियर वी फाइंड हिज जेंटल काइंड ह्यूमर, हमने क्या देखा उसके अंदर, अभी अब हमने माशाल्लाह At this time we have completed 16 characters और उसके अंदर हमने क्या देखा, उसका gentle kind humor which is Chaucer's greatest quality as its very best. Number 15, among his chief characteristics are his delightful freshness and simplicity.
और इन चीफ कैरेक्टर्स में क्या चीज उसकी, अगर चौसर के स्टाइल के ऊपर आपका आता है ना कोई क्वेश्चन आता है, देखिए ये कितने सारे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को एलेबरेट करें तो आपका कितना अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या था उसके चीफ कैरेक्टर्स में, उसके डिलाइटफुल फ्रेशनेस थी, सिंप्लिसिटी थी, हिज रॉगस जीनियल ह्यूमर था, ही वॉज फुल ऑफ क्विंट फन, हिज हार्ट फेल लव ऑफ नेचर, हिज टेंडर पैथोस, हिज नॉलेज ऑफ वुमेन, हिज लव फॉर हिज डियर ओल्ड बुक्स, हिज पावर ऑफ लाइफ लाइक पोर्ट्रेचर, हिज एडमायरेबल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड परफेक्शन ऑफ हिज वर्सेस, उसकी स्टोरी टेलिंग और परफेक्शन थी उसकी वर्सेस की। नंबर 16 है, ड्यूरिंग हिज इटालियन पीरियड बोकैशियो अलोन एक्सरसाइजेस अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट्स ऑन चौसर्स आर्ट, और उसके इटालियन पीरियड में बोकैशियो जो है अलोन एक्सरसाइज अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर। बोकैशियो जो था इटालियन पोएट था, वो जो है उसके उसके उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था चौसर के आर्ट के ऊपर। आप वाइट एंड सरे पढ़ेंगे ना तब भी आपको ये इटालियन पोएट वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। तो वाइट एंड सरे एंड चौसर इन्होंने बड़े तरीके से बोकैशियो को फॉलो किया था। उसके बाद नंबर 17 है, द मेन डिफरेंस बिटवीन चौसर एंड बोकैशियो इज दैट चौसर एम्फसाइजेस कैरेक्टर्स रादर देन पैशंस, ठीक है। चौसर ने जो है ना एम्फसाइज कैरेक्टर्स पे किया था, उसने पैशंस पे नहीं किया था, वाइल बोकैशियो एम्फसाइजेस पैशन। आगे चल के जब आप वाइट एंड सरे पढ़ेंगे, चौसर की ना बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है, अभी मैं भी आपको चौसर थोड़ा सा डल लग रहा होगा, लेकिन लिटरली मतलब जिस तरीके से इसने लाइफ को पोर्ट्रे किया कैरेक्टर्स के अंदर, इस तरह किसी ने नहीं किया। मोस्टली जो पोएट्स होता है उनका मेन टारगेट क्या होता है, पैशंस, वो पैशंस पे बात करते हैं, फीलिंग्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो बल्कि बोकैशियो ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जो है चौसर स्किल्स इन कैरेक्टराइजेशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द पोलो, और चौसर की जो कैरेक्टराइजेशन की स्किल जो है, कैरेक्टराइजेशन किसे कहते हैं बेटा, पोर्ट्रियल ऑफ कैरेक्टर्स को, कि उसने किस तरह से कैरेक्टर्स को इंडिविजुअलाइज किया, उसके बाद उसने उसको बयान किया, उसके बाद जो है वो क्या करता है कि उसके थ्रू वो आयरनी से टायर अपने इरा की जितनी फॉलीज वगैरह है, फॉलीज हैं उनकी, फॉबरीज हैं, वो सारी जो है वो उसको पोर्ट्रे करता है, उनको सटायर करता है, एंड ईच वन ऑफ दिस कैरेक्टर कम टू आवर व्यू इन फुल फॉर्म एग्जिबिटिंग द पर्टिकुलैरिटीज ऑफ हिज और हर क्लास। नंबर 19 है, वेरियस फीचर्स ऑफ चौसर्स पोइट्री आर स्टोरी टेलिंग, ठीक है, ये उसकी चौसर्स की पोइट्री के मेन फीचर्स हैं। अभी ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो आपको आज का मैंने टॉपिक पढ़ाया बेटा, ये चौसर का अगर आप स्टाइल देखें, वे ऑफ या कैंटरबरी टेल्स के स्टाइल के ऊपर बात करें, तो ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। वेरियस फीचर्स ऑफ चौसर्स पोइट्री आर स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव पोइट्स आर नॉवलिस्ट, ड्रामेटिक अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव पोइट, रियलिस्टिक पोइट, ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरस आयरनी, चौसर्स इमेजिनरी इज ऑफ सिंपल काइंड, he takes similes and comparison for real life. हमने उसकी imagery देखी, ठीक है, जो कि बहुत simple kind की थी, और उसने बहुत सारी similes भी हमने देखी और comparisons भी देखे अब उसकी अभी poetry के अंदर, ठीक है। ये बेटा ये आज आपका आज का जो first lecture है that is ended. उसके बाद अब ये तो हो गया बेटा न्यू कमर्स के लिए छोटा सा, और ओल्ड कमर्स जो हैं उनके लिए भी एक छोटा सा हमारा गो थ्रू हो गया। कल हमने पढ़ा था वाइफ ऑफ बाथ एंड अ पार्सन, ठीक है। पार्सन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बड़ा ही कोई नेक किस्म का इंसान था और एक आइडियलाइज्ड किस्म का इंसान था, एक आइडियलाइज्ड पर्सनालिटी थी,